नमस्कार मेरे प्यारे साथियों साथियों, मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, समलैंगिकता यानी कि होमोसेक्सुअलिटी, इसके ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बनाया है जिसका जो है इस विषय के ऊपर भाग वन पार्ट वन, उसी विषय पे ये दूसरा वीडियो है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो विषय है समलैंगिकता का यानी कि होमोसेक्सुअलिटी का, इसको मैं दो वीडियोस में कवर करूँगा क्योंकि तीन श्रेणियाँ हैं इस चीज़ की। तो पहले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिए। पहले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि तीन श्रेणियों में ऐसे लोगों को बांटा जा सकता है जो समलैंगिक हैं, और उस वीडियो में मैंने बताया है कि पहली श्रेणी क्या है, और वो व्यक्ति हैं जिनको जिनकी कोई अपनी गलती नहीं है, लेकिन माँ के गर्भ में जब वो अपने माँ के गर्भ में थे तब वहाँ पे माता ने कुछ खान पान में ध्यान नहीं रखा, गलत खा लिया, विजातीय में खाना आपस में कई कई तरह के खाने होते हैं, उनका आपस में संबंध नहीं बनता ठीक, वो नुकसान करते हैं, ऐसा खाना खा लिया, या खान पान के अलावा माता के विचार कैसे रहे उसका बड़ा प्रभाव है। जो बच्चा अंदर पल रहा है गर्भ के अंदर, उसके ऊपर माता के विचार जो हैं बहुत ही प्रभाव रखते हैं। तो वो माता के जो विचार हैं वो कुछ नेगेटिव रहे, सकारात्मक नहीं थे, कुछ भी हो सकता है कारण। तो तीसरा कारण मैंने बताया था, कई बार जैसे हमारे देश में लोग मेल चाइल्ड यानी कि लड़का चाहते हैं, लड़कियां हो गई दो तीन तो फिर वो कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं, तो कई नीम हकीम उनको ऐसे कुछ रसायन बता देते हैं कि ये दीजिए इससे निश्चित ही लड़का होगा, उसके कारण भी हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई रासायनिक क्रिया में गड़बड़ हुई है शरीर के अंदर माता के गर्भ में जब वो बच्चा था, उस कारण से वो जो लोग पैदा हुए उनका उनको हम ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं। तो अब वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिए। उसी क्रम में ये दूसरा और अंतिम वीडियो है। बाकी की जो दो श्रेणियाँ हैं समलैंगिक लोगों की, वो इस वीडियो में मैं जिक्र कर रहा हूँ। दूसरी श्रेणी कौन सी है? देखिए, बच्चा ठीक ठाक जन्म हुआ, ट्रांसजेंडर नहीं है वो। ट्रांसजेंडर अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई तो मैं बता दूं, ट्रांसजेंडर का मतलब है कि जन्म के समय उसके जो शारीरिक लक्षण से देख करके डॉक्टर ने कहा, घर वालों ने कहा भी ये लड़का है या लड़की है, क्योंकि उसके अंग या तो लड़कों जैसे हैं या लड़कियों जैसे हैं, जनन क्रिया जो जनन अंग होते हैं, लेकिन बाद में जैसे बच्चा डेवलप हुआ तो उसमें दूसरे जेंडर के लक्षण हैं, जैसे लड़का पैदा हुआ है लेकिन उसमें लड़कियों जैसे हैं गुण, और वैसा व्यवहार करता है, और वो पैदा तो लड़का हुआ है उसका रुझान लड़कियों की तरफ होना चाहिए लेकिन लड़कों की तरफ ही है, इसी तरह लड़के के केस में, तो वो जो जेंडर उसका एक किस्म से बदल गया ना, यानी कि बाद में कुछ और निकला है कुछ और, तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। ये जो दूसरी श्रेणी है जिसका मैं जिक्र अभी कर रहा हूं, ये ट्रांसजेंडर श्रेणी में नहीं आता। नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई, लेकिन क्या हुआ उसके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां रही, देखिए समझने की बात है, इसको समझिए, उसके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां रही, एबनॉर्मल परिस्थितियां, नॉर्मल नहीं, जिससे कि उसके अंदर इमोशनल इम्बैलेंस हो गया, यानी हिंदी में कहें तो भावनात्मक असंतुलन उसके अंदर पैदा हो गया, यानी कि आप समझ गए होंगे मेरा क्या अभिप्राय है, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी रहा वो, किसी भी कारण से हो सकता है, फैमिली में ऐसे ऐसे केसेस हैं, कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी उसको यानी कि इम्बैलेंस हो गया इमोशंस के कारण, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। अब ऐसे व्यक्ति को सहानुभूति चाहिए, ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति मित्र हो रिलेशन में हो ऐसा चाहिए जिससे उसका एक अंतरंग संबंध बन सके, इंटीमेट रिलेशन, जिसको वो अपने मन की बात कह सके, क्योंकि उसके व्यक्ति के अंदर बड़ी उथल पुथल है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है वो किसी कारण से, जो भी फैमिली में घटना घटी या कुछ भी हुआ, अब कुछ भी हो सकता है, कई घटनाएं कई तरह की हैं,
तो अब वो उसको एक अंतरंग संबंध चाहिए, वो जरूरी नहीं उसको अपोजिट सेक्स में मिले। लड़का है तो जरूरी नहीं कि लड़कियां उसके तरफ आए, उसकी बात सुने, उसे ऐसा संबंध बनाए। सेक्सुअल संबंध तो हो सकता है, लेकिन अपने दिल के करीब कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे खुल के बात कर सके, जिसके साथ जाके वो अपनी समस्याओं को भूल सके। तो इस खोज में वो सेम लिंग के व्यक्ति को ढूंढता है, और सेम लिंग का व्यक्ति जल्दी मिल जाता है ऐसा। यानी कि लड़का है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, तो उसको ऐसा ही लड़का मिल जाएगा जो कि उसका एक अंतरंग मित्र बन जाएगा, इंटीमेट मित्र। फिर उससे उसका कोई सेक्सुअल संबंध भी हो सकता है। देखिए, समझिए, यहाँ ये मत समझिए कि वो कोई विलेन है, कोई इस तरह से काम कर रहा है, वो समलैंगिक है, उसमें वो अपनी इच्छा से बन गया। नहीं, देखिए ना, यही फर्क आता है। आप समझोगे किसी चीज को तभी ऐसे व्यक्ति के अगर आपका पता चलता है तो उसके साथ सहानुभूति होगी। जरूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति के ऊपर क्या घट रहा है भाई। वो जो व्यक्ति अंदर से डिस्टर्ब्ड है वो तो सही ढंग से जी नहीं पा रहा, उसके बस में नहीं है, उसको लोगों की सहानुभूति चाहिए। लेकिन होता अक्सर यह है कि ऐसे व्यक्ति के साथ लोग जो है वो गलत व्यवहार करते हैं, जब उनको पता चलता है कि इसके तो भाई किसी के साथ किसी यानी कि समलैंगिक होमोसेक्सुअल संबंध है, गे है, लड़का है तो, लड़की है तो लेस्बियन है, तो वो समझ नहीं पाते। समझना जरूरी है। एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ अपनी डीप स्टडी के आधार पे, कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वतंत्र इच्छा से कहे जी मैंने समलैंगिक बनना है, ऐसा नहीं बन सकता। वो पेरेंट्स हैं, उनको भी अपने बच्चों के प्रति ये डर की जरूरत नहीं है कि बच्चा कहीं हमारा समलैंगिक ना बन जाए। कोई ऐसी इच्छा से नहीं बनता। हाँ, अपने बच्चों का परवरिश, ये ज्ञान जो मैं दे रहा हूं ना, तो परवरिश अच्छी हो। पेरेंट्स में कई जगह झगड़ा रहता है तो बच्चे पे क्या गुजर रही है, इमोशनली इम्बेलेंस हो जाएगा। इस तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो, शादी के बाद घर में बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके, इमोशनली स्ट्रांग बनाना है उनको, मेंटल तौर पे उनको स्ट्रांग बनाना है, शारीरिक तौर पे तो बनाना ही है लेकिन इमोशनली भी उनको स्ट्रांग बनाना है, ये जरूरी है। इस ज्ञान को मिलने के बाद आप इधर ध्यान दोगे, ये जरूरी है। लेकिन इसके अलावा फालतू में चिंता कि मेरा बच्चा कहीं समलैंगिक ना बन जाए, नहीं, कोई भी इच्छा से नहीं बनता। अब ये तो एक होगी भाई, दूसरी श्रेणी। अब तीसरी और फाइनल श्रेणी कौन सी है भाई? एक श्रेणी और है, वो क्या है? मैंने कुछ वीडियोस में पहले बताया है, जैसे कि कई बच्चे मानसिक तौर पे बड़े वीक होते हैं, या फिर उनको ऑटोइज्म वगैरह की ऐसी कोई शिकायत है, तो वो उनमें ज्यादातर कुछ तो केसेस हो सकते हैं जो जन्म के समय कुछ डिफेक्ट हो गया, डॉक्टर से कुछ उसको जो हैंडलिंग ठीक नहीं हुई जब उसका बर्थ हुआ, ब्रेन पे असर पड़ गया, प्रेशर पड़ गया। लेकिन ज्यादातर केसेस में जैसा श्री लोक संग्रामपा जी ने लिखा है, वो क्या होता है कि ज्यादातर केसेस में वो व्यक्ति ऊपर से आने से पहले डिसाइड करके आया है, वो अवगुण या वो कुछ भी कहें उसको, वो स्थिति लेकर के आया है कि ऐसी स्थिति में रहना है ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके कि लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। देखिए ना, जो मानसिक तौर पे है कुछ वीक होगा, लोगों का उसके प्रति व्यवहार अलग होगा, नॉर्मल बच्चे के साथ जैसा व्यवहार होगा वैसा नहीं होगा। तो उसको एक्सपीरियंस कैसे करना है उस स्थिति का, उस स्थिति में आकर के। इसी तरह समलैंगिक भी कुछ ये ऊपर से डिसाइड करके आते हैं कि मुझे भाई समलैंगिक ही होना है पृथ्वी पे, ताकि मैं इस माइनॉरिटी में रहते हुए एक्सपीरियंस कर सकूं किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, लोग कैसा व्यवहार करते हैं। देखिए ना, जो अब ये देखो, ये तो भगवान की इच्छा से हुआ, ऊपर से डिसाइड करके आया वो, उसकी अब कोई गलती नहीं है कहीं भी किसी की भी, लेकिन लोग नहीं समझ रहे। तो समझने की जरूरत है ना, ये तो भगवान की इच्छा से है, ऊपर से डिसाइड करके आया है कि मुझे भाई समलैंगिक के तौर पर ही जीवन बिताना है,
मैं लड़का पैदा हो रहा हूं लेकिन समलैंगिक ही मेरे अंदर प्रवृत्ति ऊपर से लेके आया वो, ताकि मुझे कुछ ऐसे खास एक्सपीरियंस हो सकें जो कि अदरवाइज नहीं हो सकते। तो लड़का या लड़की ऊपर से ये भावना, ये संकल्प लेकर के आया है, तो उसमें प्रभु की इच्छा है भाई, उसने ऐसा अनुभव करना है। क्योंकि भाई देखिए ना, कई लोग कहेंगे भाई इससे क्या होता है, ये कैसे हो सकता है। अब मैंने कई वीडियोस में समझाया कि मुश्किलें, परेशानियां, सौरव, सफरिंग, पेन, ये भी जरूरी नहीं कि पिछले आपके बुरे कर्मों के कारण फल मिल रहा है, नहीं, वो भी हो सकता है लेकिन बहुत कम। ज्यादातर तो व्यक्ति ये ठान क्या है कि खराब परिस्थितियां मेरे जीवन में आए, क्योंकि उसने वैसे कोई अनुभव लेने हैं। कठिनाई में रह के बहुत कुछ सीखता है बंदा, मैं तो अपने अनुभव से भी बता रहा हूं। कुछ ऐसा कठिन समय आया मेरे जीवन में और वही समय मेरे लिए गोल्डन समय मैं कहलाता हूं। लोग कहेंगे अरे देखो इसने बड़ा दुख भुगता है ये वो, नहीं नहीं, वो तो मेरे लिए ऐसा पीरियड था जिसमें मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई है, ये सच है भाई, समझो। तो इसलिए कुछ व्यक्ति इस श्रेणी के हैं कि वो समलैंगिक, ये जो उनके समलैंगिक जो उनकी विचार हैं या समलैंगिक उनके जो गुण हैं वो ऊपर से लेके आए हैं संकल्प कि मुझे ऐसा ही रहना है पृथ्वी पे, ताकि क्योंकि जो समलैंगिक हैं वो माइनॉरिटी में है। कोई भी व्यक्ति जो माइनॉरिटी में है उसके साथ आप देखिए, अब जैसे मुस्लिम है बिना वजह वो सफर कर रहे हैं हिंदुओं के कारण, हिंदू समझते पता नहीं मुस्लिम, अरे भाई हर मुस्लिम थोड़ी ऐसा है, कुछ कुछ तो फिर हिंदुओं में भी है ऐसे बुरे, लेकिन वो माइनॉरिटी में होने के कारण हमारे देश में सफर कर रहे हैं, है तो गलत है ना। अब इसी तरह जो समलैंगिक ऊपर से संकल्प लेके आया कि मुझे समलैंगिक जीवन बिताना है कुछ लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, उसके साथ लोगों का व्यवहार अगर वो समझ आएंगे तो फिर व्यवहार सही होगा, क्योंकि भाई उसमें तो ईश्वर की इच्छा मिली है जीवन से पहले, जो निश्चित करके व्यक्ति आया है प्रभु की इच्छा है उसमें, हमारे ओवर सेल्फ की, प्रभु को हमारे ओवर सेल्फ, हमारी आत्मा। तो ये समझिए, ये विषय समझने के हैं, नकारने के नहीं। अब ऐसे व्यक्ति देखा समलैंगिक लोग भी नकारते हैं, अपनी सोसाइटी में से निकाल देते हैं, और हो सकता है कई जगह पे उनको जेल में बंद कर दिया, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, लेकिन ये समझ होगी तो फिर वो व्यक्ति जो ऐसी स्थिति में है वो दुखी नहीं होंगे, खामखा टॉर्चर्ड नहीं होंगे, वो सही ढंग से जी पाएंगे, उनकी हेल्प हो पाएगी। उम्मीद है मेरे इन दोनों वीडियो से आपको समलैंगिकता के बारे में कोई भी प्रश्न था वो रिजॉल्व हो गया होगा, नहीं हुआ तो मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उत्तर देने की। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।